चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग घरों को पावर सप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसका सही जवाब है 50 हर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज लोड में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका आंसर है √3 VL IL cos φ। अगला क्वेश्चन है AC सर्किट में पावर लॉस कहाँ पे होगा, तो इसका सही जवाब है रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से किसकी यूनिट ओम नहीं होगी, तो इसका सही जवाब है कैपेसिटेंस की। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर DC सर्किट का कितना होता है, तो इसका सही जवाब है यूनिट ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो इसका सही जवाब है हर्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि RLC सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा Z√R² + XL − XC का होल ऑफ स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है RLC सर्किट में R बराबर 4.5 ओम, L बराबर 0.06 हेनरी, C बराबर 0.6 माइक्रो फैरेड, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इसका पावर फैक्टर होगा लीडिंग। अगला क्वेश्चन है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इनमें से क्या होगा, इसका सही जवाब है करंट फेज में होगी वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, इसका आंसर है करंट लीड करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना होगा, इसका सही जवाब है यूनिट ही होता है। अगला क्वेश्चन है रेशियो एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, इसका सही जवाब है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या होगा, इसका सही जवाब है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या होगा, इसका सही जवाब है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, तो इसका सही जवाब है सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, इसका सही जवाब है रेजिस्टेंस के बराबर होगा।